नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मतलब पिछले एक हफ्ते से यह चर्चा में है कि क्या गाजियाबाद में किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही हो रही है या शादियों पे किसी तरह का कोई बैन लगाया जा रहा है। क्या अब एक दिन में गाजियाबाद में जो शादियां होती थी क्या वह रोक दी जाएंगी या रुक चुकी हैं? जब भी आप शादी के लिए अलग अलग जगहों पे इंक्वायरी कर रहे होंगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे होंगे, लेकिन लीला का ना केवल कर्तव्य है बल्कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर गाजियाबाद में शादियों को लेकर के किस प्रकार का संकट खड़ा हुआ है और उसकी असली वजह क्या है। दोस्तों, कुछ लोगों ने ऐसी शिकायत की थी कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि गलत तरीके से शादियां करा रही हैं, नाबालिगों की शादियां करा रही हैं और उन संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही किया जाए। इसको लेकर के जो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने गाजियाबाद तहसील में रेड मारा और रेड मारने के बाद से उन्होंने तत्कालिक एक निर्णय दे दिया कि जो भी राज्य से बाहर के लोग हैं, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग हैं, उनकी शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने कुछ संस्थाओं को जांच के बाद से उनको अवैध करार दिया या यह कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए कि जेन्युइन है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के यूपी से जो बाहर की शादियां थी उसको उन्होंने अपने निर्णय से रोक लगा दिया, जिसकी वजह से यह संकट पैदा हुआ और शादियों का रजिस्ट्रेशन रुक गया। अब और कुछ संस्थाओं के ऊपर भी रोक लगा दिया जो शादियां करा रही थी। अब सबसे पहली बात यह है कि इस निर्णय को कैसे, अब इसका क्या कंसिक्वेंस हुआ और इससे इसके बाद से हम किस प्रकार से शादियां करा सकते हैं। इसका कंसिक्वेंस यह हुआ कि जब डीएम साहिबा ने रोक लगा दिया तो एक तरीके से जो यह निर्णय है, यह निर्णय पूरी तरह से सही नहीं दिखता है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने जो यूपी गवर्नमेंट के जो जो एक्ट पास हुआ उस एक्ट के अंदर यह लिखा गया है, तीन कंडीशंस दिए गए हैं। पहला कंडीशन कि शादी किनकी रजिस्टर्ड की जा सकती है तहसील के माध्यम से, या तो दुल्हा यानी कि जो लड़का है वह यूपी का रहने वाला हो, या लड़की यूपी की रहने वाली हो, या शादी यूपी में हुआ हो। अगर ये तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशंस है तो वहां पर शादी को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि लड़का हो मुंबई का, लड़की हो बेंगलोर की और उन दोनों ने यह तय किया कि उन्हें गाजियाबाद में जाकर शादी करनी है, वहां पर उन्होंने शादी किया और फिर उसको वहां पर रजिस्ट्रेशन कराया, तो लीगली जो हमारा कानून है उसके मुताबिक यह बिल्कुल भी गलत प्रतीत नहीं होता है। इसको लेकर के जो रोक लगाई गई है यही वजह है कि कई हमारे वकील साथी स्ट्राइक पे भी बैठे हुए हैं, वो हड़ताल भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि यह रोक जो लगाई है कानूनन गलत प्रतीत होता है। लेकिन जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई है उसको भी पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते, क्योंकि कई शादियां ऐसी भी पाई गई हैं जहां पे नाबालिगों की शादी कराई गई है। कई ऐसी भी शादियां हो रही हैं कि नाबालिग को जो है शादी कराया जा रहा है जिनमें लड़की की उम्र पूरी नहीं हुई, उनके लिए गलत डॉक्यूमेंट्स लगा करके उनकी शादी करा दी गई, या फिर ऐसा कर दिया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स गलत लगाया। इतना ही नहीं, कई लोग पैसे के भूख में ऐसे ऐसे जगहों से भी सर्टिफिकेट इशू कर दिए शादियों का जो रजिस्टर्ड ही नहीं थे, और कई लोगों ने तो ऐसा भी किया कि उन लोगों ने शादी को परफॉर्म नहीं कराया और सर्टिफिकेट इशू कर दिया। इन सभी चीजों के मद्देनजर ऐसा हुआ कि प्रशासनिक रोक लगी और इसकी जांच हुई। तो जिनकी नाबालिग शादी हुई है या ऐसे लोग जो रजिस्टर्ड नहीं थे उनके सर्टिफिकेट संदेह के घेरे में आ गए हैं, उनकी जांच चल रही है। तो दोस्तों, आपको यह पता चल गया होगा कि गाजियाबाद में शादियों पे किस प्रकार से और क्यों रोक लगाया गया है और यह कब तक रोक लगाया जाएगा। लगभग एक हफ्ते तक और जांच होनी है या हड़ताल हुआ है, उसका जो भी नतीजा आएगा हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे और उसके बाद से सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा तो लीला कैसे शादियां करा रही है एक दिन में,
आखिर लीला कैसे गाजियाबाद में शादियां एक दिन में करा रही है, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।